यार आज यूनिवर्सिटी जाते ही हर तरफ धूम मची होती है कि यूनिवर्सिटी में बाइक्स बांटी जा रही हैं। पहुंचने पे पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिस स्कीम का नाम है सवारी खुद मुख्तारी। इस स्कीम में 20,000 बाइक्स दी जाएंगी, वो भी सबके सब स्टूडेंट्स को। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताता हूं, मगर उससे पहले मेरी शोखियां तो चेक कर लें जरा। मैंने सोचा बाइक मिलनी है कि नहीं ये तो पता नहीं, मगर डिस्प्ले पे जो लगी है ये तो ट्राई कर लें। टोटल 20,000 बाइक्स हैं, जिनमें से 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जो कि मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। इन बाइक्स में 70cc, 125cc और 150cc शामिल है। ये रही 150cc, जो कि बहुत ही मजे की बाइक लग रही थी। अभी ये फेज वन है, जिसमें 5 बड़े शहर इंक्लूड है, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1 बिलियन की सब्सिडी दे रही है। ये देखें जी, ये रही चाबी, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको भी मिल सकती है। और ये रही लड़कियों के लिए बाइक, जो कि फीमेल स्टूडेंट्स को दी जाएगी। रुकें, इस पे भी बैठ के जरा शोखी मार लेते हैं। यह डिपार्टमेंट में हर तरफ इसी स्कीम की स्टैंडिंग लगाई जा रही थी। 1 बिलियन सब्सिडी का मतलब यह है कि ये बाइक्स आपको फ्री में नहीं मिल रही, बल्कि इसकी माइनर सी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। यार ये भाई यहाँ पे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे। इनसे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा, जिसमें मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, जो कि HEC से रिकॉग्नाइज हो, आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि कोई मसले की बात नहीं है, आप इसे ऑनलाइन भी बना सकते हैं। अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो BOP की कोलेबोरेशन के साथ ई बैलेटिंग की जाएगी। स्क्रीन पे आप वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। यार आपको सब आइडिया हो जाएगा कितने लोगों ने अप्लाई किया है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो लाजमी अप्लाई करें यार, क्योंकि ई बैलेटिंग में आपकी किस्मत भी साथ दे सकती है।